जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। तो अभी आपने वीडियो तो देख ही लिया, तो ये वाली वीडियो अभी के टाइम में इंस्टाग्राम और फेसबुक बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो अगर आप भी कुछ इस टाइप की रील को एडिट करके अपने इंस्टाग्राम में फेसबुक पर अपलोड करते हो तो काफी ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं आपकी रील वायरल होने के। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुमारी टाइप की रील और वीडियो बहुत जल्दी वायरल होते हैं, तो आज की वीडियो में आपको ये सिखाने वाला हूं आप कैसे इस टाइप की रील को एडिट कर सकते हो एंड कैसे अपनी रील को वायरल भी करा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एंड उससे पहले अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट जरूर कर देना ताकि आने वाले अगले ट्रेंड की वीडियो पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखो इसके लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है VN। तो इसे आप प्ले स्टोर से बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड जब आप इसे यहां पे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो देखिए क्या करना है, आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, देन आपको यहां पे न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन क्या करना है, देखो आपको यहाँ से अपनी दो वीडियो चूज कर लेनी है। पहली वीडियो तो आपको मैं दूंगा एंड जो आपकी दूसरी वीडियो रहेगी वो आपको शूट करवा लेनी है, या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई डांस वांस की वीडियो पड़ी होगी तो आपको यहाँ से चूज कर लेनी है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से अपनी दोनों वीडियो चूज कर लूँगा, देन आपको यहाँ पे एरो वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर इतना काम हो चुका है। तो देखो अब क्या करना है, पहले यहाँ से इसे थोड़ा जूम कर लेंगे और क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे अपनी पहली वीडियो में कट लगाना है। तो आपको कट कहाँ पे लगाना है अब आप वो देख लो। तो क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे 4:07 पे अपनी वीडियो में कट लगा देना है, ठीक है। 4:07 या फिर 4:06 के अराउंड आपको कट लगा देना है। तो कट लगाने के लिए क्या करना है, देखो आपको वीडियो पे एक बार टाइप करना है और यहाँ पे स्प्लिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपकी वीडियो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। देन क्या करना है, देखो आपको यहाँ से ये वाला पार्ट डिलीट कर देना है। तो इतना काम हो चुका है हमारा। तो देखो अब क्या करना है, तो क्या करना है आपको यहाँ पे अपनी दोनों वीडियो का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर देना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे टैप करना है वीडियो पे और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा वॉल्यूम वाला, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से बिल्कुल जीरो कर लेंगे, ठीक है। और सेम प्रोसेस अपनी दूसरी वाली वीडियो के साथ करेंगे, यहाँ से इसे भी बिल्कुल जीरो कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा इतना काम हो चुका है। तो देखो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे एक म्यूजिक ऐड करना है। तो कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है एक बार म्यूजिक पे और म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो क्या करना है, आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे। देन क्या करना है, देखो आपको यहाँ से वो वाली वीडियो चूज़ कर लेनी है जो कि मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, मतलब यहाँ पे सेकंड वाली वीडियो है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और आपको यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस वाली जो वीडियो का ऑडियो होगा यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ भी चुका है सबसे ऊपर, तो यहाँ से चूज़ कर लेंगे, देन यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे जो हमारी दूसरी वीडियो है इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपको वो डिलीट कर देना है। तो उसके लिए क्या करना है, वीडियो पे एक बार टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्प्लिट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इस वाले पार्ट को यहाँ से डिलीट कर देंगे और आपको यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा ये वाला, इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। इतने आप तो समझदार हो ही। तो अभी आपकी वीडियो यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाली है बट अभी हुई नहीं है। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी दूसरी वाली वीडियो में इफेक्ट्स जोड़ना है, मतलब इफेक्ट जोड़ना है क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है दूसरी वाली वीडियो पे और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सबसे नीचे एफएक्स वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे बट मैं आपको जो बताऊंगा आपको सिर्फ वो ही करना है क्योंकि मैं आपको सबसे अच्छा बताऊंगा। तो देखो आपको यहाँ पे एक एफएक्स मिलेगा जिटर डाउन वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ से चूज कर लेना है और इसे यहाँ पे बिल्कुल शुरू में लेके आ जाएंगे, इस टाइप से खींच के बिल्कुल शुरू में यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। देन आपको यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो अभी हमारा इतना काम हो चुका है। तो देखो अब क्या करना है, आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा ओरिजिनल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 9:60 वाला रेशियो चूज कर लेंगे, ठीक है। और क्या करना है, देखो आपको वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसे थोड़ा सा जूम कर लेंगे इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी वाली वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसे भी यहाँ से जूम कर लेंगे। तो फाइनली हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है एंड अभी मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, देखते हैं एक बार कैसी बनी है। तो यार देख सकते हो कितनी मस्त तरीके से बनी है, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो यार देखो अब क्या करना है, आपको ये यहाँ से सेव करनी है अपनी गैलरी में। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, मतलब राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, तो वाली वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ठीक है। एंड अगर चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट जरूर कर देना ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। और ये राइट वाली वीडियो को जरूर से देखना क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो जल्दी इस पर क्लिक करो और जल्दी से देखो।